आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के दो विधानसभा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करने चित्रकूट पहुंचे, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला किया है। संजय सिंह बोले कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में मुद्दा विहीन है। क्या अब हिंदुओं से धमका कर वोट लिया जाएगा? क्या अब जय चंद्र की औलाद कहकर वोट लिया जाएगा? क्या मुसलमानों की औलाद कहकर वोट लिया जाएगा? गद्दार कहकर वोट लिया जाएगा? ये सारी जुमलेबाजी मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारी बात बीजेपी के विधायक और मौजूदा सरकार में यूपी सरकार में मंत्री राघवेंद्र सिंह ने कहा है। जो हिंदू बीजेपी को वोट नहीं देगा वो गद्दार है। वोट के लिए इतना गिर कर बयान देना गलत है। ये देश के करोड़ों हिंदुओं का अपमान है। ये हमारा लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकार है, हम किसको वोट करें और उनको किसको आगे बढ़ाएं। उन्होंने आगे कहा कि शर्मनाक बयान को लेकर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को करोड़ों देश के हिंदुओं से नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और योगी आदित्यनाथ को माफी मांगना चाहिए। चित्रकूट से संवाददाता विवेक मिश्रा की रिपोर्ट। अगर उनके परिवार के लोग बीजेपी को वोट नहीं देंगे तो वो गद्दार है। वो संजीत यादव जिसका अपहरण करके कानपुर में हत्या कर दी गई, उनके परिवार के लोग अगर बीजेपी के खिलाफ खड़े होंगे तो वो गद्दार है। वो जयचंद की औलाद है। वो जयप्रकाश पाल जिसकी पूरे सरकार के सामने बलिया में हत्या कर दी गई, वो अरुण वाल्मीकि, वो मनीष गुप्ता, वो नौजवान जिनको लाठियों से पीटा गया, वो ब्राह्मण, वो क्षत्रिय, वो वैश्य, वो कायस्थ, वो सवर्ण वर्ग के लोग, वो दलित वर्ग के लोग, वो पिछड़े वर्ग के लोग जो बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं देंगे, क्या वो गद्दार है क्या? मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आदित्यनाथ जी से। वो सब आदित्यनाथ जी से और उनकी पार्टी के लोगों से कई गुना ज्यादा देशभक्त है जो बीजेपी को वोट नहीं देते, मैं ये कहना चाहता हूं। नमस्कार, मैं हूं देवकीनंदन मिश्रा, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज टीवी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। हाँ, एक बात और, हमारे इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो डालते हैं सबसे पहले आप तक वो पहुंचे।